दोस्त, तो यदि आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं और आपको भी हाई स्पीड वाले ट्रेन में घूमना अच्छा लगता है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आखिर फैक्ट्री में बुलेट ट्रेन को कैसे बनाया जाता है और उसके साथ साथ बुलेट ट्रेन के वर्क को भी 3D एनिमेशन से समझेंगे, जिससे आपको इसके हाई स्पीड का राज पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बुलेट ट्रेन के सफर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, भारत में ट्रेन को सबसे सुलभ यातायात माना जाता है और जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल जरूर आता है कि ट्रेन थोड़ी और तेज चलती तो कितना अच्छा होता। इसके अलावा आपके दिमाग में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन का ख्याल तो जरूर आया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका मैन्युफैक्चरिंग देखने से पहले इसके वर्क को 3D एनिमेशन से समझते हैं। वैसे बुलेट ट्रेन का काम सिंपल और आसान होता है। आपको ये जानने से पहले कि बुलेट ट्रेन कैसे काम करती है, ये जानना होगा कि मैग्नेट कैसे काम करती है, क्योंकि इसी मैकेनिज्म पर बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई है। तो आपको इतना तो पता होगा कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। और आप ये भी जानते होंगे कि मैग्नेट के सेम पोल अक्सर रिपेल करते हैं और डिफरेंट पोल अक्सर अट्रैक्ट होते हैं। यही प्रिंसिपल है जो बुलेट ट्रेन में वर्क करता है। दोस्तों, मैग्नेट को और डिटेल में समझा जाए तो ये दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें परमानेंट मैग्नेट नेचुरली मैग्नेटिक होता है, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट नेचुरली मैग्नेटिक न होते हुए बल्कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक पावर लाया जाता है। और इसमें एक खास बात ये होती है कि अगर इसमें करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ में और इसका साउथ पोल नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलिए ये जानते हैं आखिर ये टेक्निक बुलेट ट्रेन में कैसे वर्क करता है। तो मैं बता दूं, बुलेट ट्रेन का ट्रैक नॉर्मल ट्रैक जैसा नहीं होता बल्कि अलग होता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बनाया जाता है, जहां ट्रैक में नॉर्थ पोल और ट्रेन के बेस में साउथ पोल होता है। और जब ट्रेन को ट्रैक पर लाया जाता है तब ट्रेन और ट्रैक के सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे ट्रेन आगे की ओर चलने लगता है। दोस्तों, ये प्रोसेस बेहद फास्ट होता है, जिससे ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड पकड़ लेता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये ट्रेन रुकती कैसे होगी। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर चलती है, जिस कारण करंट को ऑफ करके ट्रेन को रोका जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका स्पीड केवल इसी मैग्नेट पर डिपेंड नहीं करता बल्कि इसके एरोडायनेमिक बॉडी पर भी डिपेंड होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। तो ट्रेन का सफर स्टार्ट होता है इसके पहियों को बनाने से। तो इसे बनाने के लिए आयरन के मोटे मोटे रॉड को छोटे छोटे पीस में कटिंग करके कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहाँ इन्हें एक भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है। फिर इन्हें कुछ समय बाद बाहर निकालकर कंप्रेसर मशीन पर रखकर दबाव देते हैं, जिससे पहिए के शेप में आ जाता है। अब अगला मशीन इस पर रोलर प्रेसिंग करता है, जिससे इन पहियों पर ऐसा खांचा बनता है जो ट्रैक पर अटक कर अच्छे से चल सके। सही से पा जाने के बाद इन्हें ठंडा करने के लिए पानी में डाला जाता है। ठंडा हो जाने के बाद इन्हें एक फिलिंग मशीन पर रखा जाता है। ये मशीन पहिए का एज बनाकर चमका देता है। अब इन्हें एक्सल के साथ जोड़कर पहिए को करेक्ट पोजीशन में लाते हैं और पेंडिंग करके एक शानदार लुक दिया जाता है। और फिर इनमें शॉकर को लगाकर ब्रेक सिस्टम को लगाते हैं। फिर साइड फ्रेम को लगाकर इसे सभी पार्ट को विजुअल टेस्टिंग करते हैं। अब दूसरे यूनिट में सीट को बनाने का काम होता है, जिसके लिए स्टील रॉड को छोटे छोटे पीस में कटिंग करके बेंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ ये ऑटोमेटिक मशीन रॉड को बेंड करके चेयर के किसी पार्ट का शेप देती है। अब इसके सभी जॉइंट को वेल्डिंग करके चेयर पर इस्तेमाल होने वाले कपड़े को कटिंग करते हैं। फिर इन कपड़े को सील कर चेयर कवर को तैयार कर लेते हैं। अब चेयर के अंदर पड़ने वाले हार्ड फोम के ऊपर ग्लू लगाकर सॉफ्ट फोम को चिपकाते हैं। फिर इस पर कवर लगाकर स्टेपलर करते हैं, जिससे कवर फोम से चिपका रहे। अब इस पर लेदर कवर लगाकर कुशीन वाले पार्ट को तैयार कर लेते हैं। फिर सीट वाले हिस्से को बनाने के लिए स्टील रॉड को वेल्डिंग करके पेंटिंग करते हैं। और ऐसे ही तीन सीट को एक सीक्वेंस में जोड़कर उस पर कुशीन को लगाते हैं। अब इसके आर्म को स्क्रू से टाइटली कस के चेयर में असेंबल करते हैं और बैक सपोर्ट के लिए एक रॉड लगाकर कुशीन को असेंबल करते हैं। फिर सीट को लगाकर पॉलीथीन से रैप किया जाता है, जिससे सीट पर डस्ट ना लगे और सीट लंबे समय तक न्यू दिखे। अब बारी आती है बुलेट ट्रेन के बॉडी को बनाने की। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले ट्रेन को जिस स्टील से बनानी होती है उस स्टील का टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग पास हो जाने के बाद विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है,
जहाँ स्टील को माइक्रोस्कोप पर रख कर इसके मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग को चेक करते हैं। फिर टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद स्टील शीट को कटिंग मशीन में डालकर लेजर मशीन से कट करते हैं और प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर ट्रेन के छोटे छोटे पार्ट का शेप देते हैं। अब कंपार्टमेंट को बनाने के लिए छोटे छोटे स्टील शीट को वेल्डिंग करके ट्रेन का साइड वॉल तैयार कर लेते हैं। फिर मॉड्यूलर टॉयलेट बनाने के लिए स्टील शीट को चारों साइड से जोड़कर वेल्डिंग करते हैं और टॉप रूफ लगाकर डोर को असेंबल करते हैं और इस तरह मॉड्यूलर टॉयलेट बनकर तैयार हो जाता है। फिर ट्रेन के साइड वॉल को मजबूती से बनाने के लिए स्टील रॉड को कटिंग करके स्टील वॉल के ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसे वर्करों द्वारा वेल्डिंग करके मशीन से स्पॉट वेल्डिंग किया जाता है। दोस्तों स्पॉट वेल्डिंग में दो से अधिक मेटल को भी जोड़ा जा सकता है और लास्ट में इनमें जरूरत के अनुसार होल करके साइड से ग्राइंडिंग करते हैं जिसे कंपार्टमेंट पर फिनिशिंग दिखे। अब इसे उल्टा करके व्हाइट कलर पेंटिंग करते हैं और इन्हें असेंबल करके ट्रेन का स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। अब इसके रूफ को बनाने के लिए स्टील रॉड को वेल्डिंग करके ढांचे को तैयार करते हैं। फिर ऊपर स्टील कवर लगाकर रूफ वॉल को तैयार कर लेते हैं। फिर इसे दूसरे यूनिट में भेजकर वाटर टेस्टिंग करते हैं जहाँ रूप के ऊपर पानी की बारिश करके लीकेज को चेक किया जाता है और फिर रूप को बोगी के ऊपर फिट करके दूसरे यूनिट में भेजते हैं जहाँ इससे बुलेट ट्रेन के आगे वाले नुकीले हिस्से को जोड़ा जाता है। अब इसमें डोर को लगाने के लिए पहले डोर के सभी पार्ट को असेंबल करते हैं, जैसे डोर में साइड पैनल लगाकर ड्रिल करते हैं, जिसमें नट बोल्ट लगाकर रबर गैसकेट को लगाते हैं। अब ट्रेन के ऊपर व्हाइट पेंट लगाकर ग्राइंडिंग करते हैं जिससे ट्रेन में एक खास तरह का शाइनिंग आने लगता है। दोस्तों इस प्रोसेस को लगभग एक घंटे करने के बाद पेंटिंग की बारी आती है जिसके लिए ट्रेन के ग्लासेस पर प्लास्टिक शीट लगाकर पहले प्राइमर लगाते हैं जिससे ट्रेन पर लंबे समय तक जंग ना लगे। फिर ब्लैक और ब्लू कलर पेंटिंग करके ट्रेन पर लगे पॉलीथीन को निकालते हैं जिससे ट्रेन को एक शानदार लुक मिलता है। अब इसे और भी सुंदर बनाने के लिए इस पर रेड और ब्लू कलर की पट्टी लगाकर बोगी नंबर प्रिंट करते हैं। फिर ट्रेन को ऊपर लिफ्ट करके बेस में साउथ पोल वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट को लगाकर सभी पार्ट को टाइटली कसते हैं और लास्ट में पहिए को लगाकर ट्रेन को तैयार कर लेते हैं। दोस्तों अब ट्रेन को चलाने वाला सबसे जरूरी चीज यानी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेन में कैरी किया नहीं जा सकता जिसके लिए पेंटोग्राफ को लगाया जाता है जो ट्रैक पर लगे वायर से अटैच होकर ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अब ट्रेन में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को लगाते हैं जिससे ट्रेन ऑपरेट होता है। फिर ट्रेन के बाथरूम में पानी की सुविधा देने के लिए वाटर पाइप लगाकर सीट को असेंबल करते हैं। अब पायलट और पैसेंजर के बीच सेपरेशन बनाने के लिए ग्लास डोर लगाकर इंटरनल चीजों को मेंटेन कर लेते हैं। फिर विंडो पर ग्लू लगाकर ग्लास को असेंबल करते हैं जिससे आपका बुलेट ट्रेन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस पूरी वीडियो में कौन सा मोमेंट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारी कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।